तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज डू समथिंग न्यू। तो मेरा नाम है सागर मिर्धा। आप लोग आज हम लोग सीखेंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको क्रोम पे आना पड़ेगा। क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जीयू पोर्टल। तो जीयू पोर्टल डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तीनों में से कोई एक देना पड़ेगा। वो देने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। वो देने के बाद आपको ये दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे करना पड़ेगा आपको लॉग इन। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे करना चाहिए। अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया तो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे अभी मैं मेरा एप्लीकेशन नाउन जो होता है वो मैं लिखूँगा, क्योंकि मैंने मेरा पहले वाला एप्लीकेशन नाउन रख दिया था। एप्लीकेशन नाउन तो A1905। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर लिख लिया। अभी मैं यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ दे दूँगा, जो मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड वही होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर एग्ज़ाम फ्रॉम। तो एग्ज़ाम फॉर्म पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका मीडियम सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मेरे इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्किल इन्हेंसमेंट, तो आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका कंपलसरी सब्जेक्ट एक होता है वो आपको सिलेक्ट करना है, मैं कर लिया। अभी गेट पेपर्स पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो सब्जेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको चार दिखाना चाहिए था लेकिन दो दिखा रहा है सर्वर डिस्टर्ब के कारण। तो मेजर का हो रहा है अभी, मेजर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है। तो मैं अभी वो नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका बैक है तो यहाँ पे क्लिक करके आपका सेमिस्टर सिलेक्ट करके आपको पेपर्स पे, व्यू पेपर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पेपर फिर से देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दो, सबमिट प्रमिशन। तो यहाँ पे लिखा यू मस्ट सिलेक्ट एटलीस्ट 4 पेपर इन योर रेगुलर कोर्स, मतलब आपको यहाँ पे 4 पेपर होना चाहिए। तो मेरा दो हो रहा है सर्वर प्रॉब्लम के लिए, मैं बताया था, तो मेरा अभी नहीं होगा। तो मेजर का हो रहा है, वो करने के बाद आपको सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मेजर का हो रहा है, यहाँ पे सबमिट करो। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का जो ऑप्शन आ जाएगा आपको वहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा। मेजर का अभी 800 ले रहा है। तो पेमेंट ऑप्शन करने के बाद आपको वो दिखाएगा कि वो फेल्ड हो गया आपका पेमेंट। तो पेमेंट फेल दिखाएगा, तो आपको घबराने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेज को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं जैसे लॉगिन कर रहा हूँ अभी एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर बिठा दिया। एप्लीकेशन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड देना पड़ेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, एकदम एडजस्ट वैसे ही देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कैलकुलेट करके बैठा दिया। तो अभी यहाँ पे जाएगा CBCS का। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपके कॉलेज पे जाकर सबमिट करना पड़ेगा। तो कॉलेज से आपको अप्रूव कर देगा, तो कॉलेज अप्रूवल पे यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये कर सकते हो। तो अभी चलते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बहुत बड़ा हो गया शायद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।